दोस्तों, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में आप सभी का अगला कड़ी पूर्वी सिंहभूम में स्वागत है। हम लोग छठा जिला पूर्वी सिंहभूम का पदों की संख्या, कट ऑफ और विज्ञापन संख्या, इसके बारे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आपको विज्ञापन संख्या मालूम होना चाहिए, क्योंकि विज्ञापन संख्या मालूम रहेगा तभी आप उसको लिखेंगे, और आपके पास होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, विज्ञापन संख्या यहाँ आप इसको देखिए कितना है, ये देखिए विज्ञापन संख्या 2704-4-7-2015 एक हो गया, और दूसरा विज्ञापन संख्या देख लीजिए, दूसरा विज्ञापन संख्या ये है, इसको भी देख लेते हैं। दूसरा विज्ञापन संख्या देखिए ये है 2725-8-7-2015, इसका आपको ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। तो देखिए, इसको थोड़ा हम लोग देखते हैं। आपको आवेदन देना है 22/6/2024 से तो शुरू हो गया है, 22/7/24 तक आप आवेदन जमा कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी विज्ञापन संख्या दिया हुआ है, विज्ञापन संख्या जैसा कि अभी आप लोग को बता चुका हूँ 4715 ये है विज्ञापन संख्या आपका 2704-4715 ठीक है। और दूसरा है, इसको देखिए, अभी इसके बारे चर्चा किए हैं 2725-8-7-15 तब अब आगे देखते हैं हम लोग। इसको देखिए, आपको आवेदन तो 22/7/24 तक आपको जमा कर देना है, और आवेदन की स्क्रूटनी जो होगी 23/7 से 31/7 तक होगी जुलाई में, तो हाँ ठीक है। काउंसलिंग की तिथि 1/8/2024 को होगी, और अंतिम चयन सूचना सूची को प्रकाशन तिथि दिनांक 7/8/24 है। इसके बाद हम लोग आते हैं वैकेंसी पर, कितना पोस्ट है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है आपके यहाँ सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम का है ना, हाँ पूर्वी सिंहभूम में कितना है पोस्ट, इसको देखिए। सबसे पहले देखिए, इंटर प्रशिक्षित वेतनवान ग्रेड पे 4200, यहाँ पारा और गैर पारा में देखेंगे, दोनों में देखेंगे। तो देखिए यहाँ एससी का, पहले एससी में देखते हैं, एससी में कोई पोस्ट नहीं है, और जिसका पिछला कट ऑफ गया था 49.14 ठीक है। अब देखिए एसटी में 31 पोस्ट है और कट ऑफ गया था 49.93 पिछला कट ऑफ, ठीक है। उसका जनरल में भी देखिए 2 सीट है, कि पारा कैटेगरी के बारे में तो बता रहे हैं, और 48.6 हो गया कट ऑफ, और BC1 में तो पोस्ट नहीं है, तो कट ऑफ से भी अब क्या देखें, मतलब ही नहीं है। BC2 में भी पोस्ट नहीं है, यानी टोटल पोस्ट यहाँ 33 है, किसमें, पारा कैटेगरी में, जिसमें से ST का 31 है और जनरल का 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये पारा का। अब गैर पारा का देखिए, गैर पारा का देखिए, गैर पारा का ST में 8 है, या कट ऑफ नहीं दिया हुआ है। उसके बाद SC में 8 है, ST में 23 है, और कट ऑफ देखिए 55.82 गया है। उसके बाद जनरल में बहुत पोस्ट है, गैर पारा में देखिए 69 पोस्ट है, और 51.84 कट ऑफ गया है, और BC1 में तो पोस्ट नहीं है, लेकिन 52.22 कट ऑफ गया था, वो दिखा दिए हैं, और BC2 में 4 पोस्ट है, देखिए BC2 में 4 पोस्ट है, जिसका कट ऑफ पिछला बार 48.92 गया। ये पूर्वी सिंहभूम का टोटल पोस्ट है 104। क्लियर हो गया, पारा और गैर पारा, पारा और गैर पारा में देख लिए कि टोटल पारा में 33 पोस्ट है और गैर पारा में 104 है।
अब हम लोग देखेंगे स्नातक प्रशिक्षित, इसका ग्रेड पे 4600 होता है। आप देखिए इसमें विज्ञान में देखते हैं, विज्ञान में देखिए तो एससी में 0 है, रिक्त नहीं है, इसलिए कट ऑफ से कोई मतलब नहीं है। अब एसटी में देखिए, हाँ एक पोस्ट है और कट ऑफ 49.17। जनरल में पोस्ट नहीं है, यानी टोटल सॉरी एसटी में 2 पोस्ट है, 2 पोस्ट, ठीक है वही है, बाकी और कुछ नहीं, टोटल 2 हो गया, एसटी में 2 पोस्ट है, यानी पारा कैटेगरी में 2 है। और अब देखिए गैर पारा में, गैर पारा में 0 है, ठीक है, यानी क्लियर हो गया। विज्ञान गणित में पारा कैटेगरी में 2 है और गैर पारा में 1 भी पोस्ट। अब कला में आते हैं, कला में देखिए, कला में कहीं नहीं है, एक बिल्कुल ही नहीं है, तो इसको कट ऑफ देखने से अब कोई फ़ायदा नहीं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। कला में नहीं है, आप देखिए भाषा में आते हैं, भाषा में रिक्ति देखिए है, एससी में 1 है, एससी में 1 है और कट ऑफ है 49.54। एसटी में 12 पोस्ट है और कट ऑफ गया था पिछला बार 46.86। ये कट ऑफ जो पिछला बार गया था उसके बारे में बता रहे हैं। अब ये है जनरल, जनरल में देखिए एक पोस्ट है, पिछला कट ऑफ गया था 46.47। इधर नहीं है, BC1 BC2 नील है। अब देखिए टोटल इसमें 15 पोस्ट है, टोटल पोस्ट जो है इसमें 15 है, ठीक है, इसमें भाषा में और पारा कैटेगरी में, ठीक है। अब देखते हैं नॉन पारा में 0 है, स्पष्ट हो गया, कला में एक भी पोस्ट नहीं, भाषा में 15 है, गणित में आपका 2 है, गणित विज्ञान में, बाकी गैर पारा में नील है। ये क्लियर हो गया। तो दोस्तों इसी के कड़ी में मैं आगे फिर दूसरा जिला का वीडियो बनाऊंगा, आप लगे रहिए, जिस जिला से आप भरे हैं उस जिला का आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और अगर कमेंट कीजिए आपको तुरंत किस जिला का चाहिए, तो 2-3 दिन में बाकी सबका बना के क्लियर कर दूंगा। और अगर पसंद आए तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए ये टोटल है, अधिसूचना कैसे जाकर ये है, और फिर इधर देखिए आपका कितना वैकेंसी है, इसमें सब दिया हुआ है, आप आराम से देख लेंगे और अप्लाई कर देंगे। और सबसे पहले तो आपका जो आवेदन दिए थे उसका कॉपी चाहिए, रिसीविंग चाहिए, आवेदन उसमें कर दीजिएगा, चूँकि विज्ञापन संख्या तो यहाँ से भी मिल जाएगा, उसको लिख देने से आपका काम चल जाएगा। और आपको ये रिसीविंग नहीं है तो आपको एक उपाय हम बता रहे हैं कि आप जहाँ से भरे थे वहाँ जिला कार्यालय जाइए और वहाँ किसी क्लर्क या प्यून से भेंट करके उससे मांगिए कि भाई मेरा अगर खो गया है तो दे देगा, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।